श्री राम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्रैवल बड़ी स्वागत करता हूं आप लोगों का एक नए यात्रा के कंटेंट, एक नए सफ़र की ओर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। प्लस दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, सो दैट आप लोगों को मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और नए नए यात्रा डेस्टिनेशंस के बारे में आप लोग जानते रहें। आज की इस वीडियो में दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ में, जब भी आप लोग आपके गोवा ट्रैवल पर जाएंगे तो वहाँ के कुछ मशहूर वाटर स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी साझा करने वाला हूँ, जिसमें कि मैं आप लोगों को बताऊँगा दोस्तों कि वो साहसिक एक्टिविटीज़ या फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स आप लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, क्या उसका चार्जेस रहेगा दोस्तों, बेस्ट टाइम उन चीज़ों को करने का कौन सा होता है, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को उन चीज़ों के लिए कितना चार्ज पे करना होगा। इन सभी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। गोवा वाटर स्पोर्ट्स के लिए सबसे खूबसूरत जगह है। गोवा में होने वाले वाटर स्पोर्ट्स ने हमेशा पर्यटकों और साहसिक काम करने वाले लोगों को आकर्षित किया है। भारत की समुद्री तट राजधानी गोवा, यहाँ के कई वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए काफ़ी फेमस हैं। यहाँ पर आप काइट सर्फिंग, बनाना राइड्स, स्नॉकलिंग, पैरासीलिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग, जेट स्की, बम्पर राइड, कयाकिंग और कई साहसिक खेलों का मजा ले सकते हैं। अगर आप भी इन कामों में दिलचस्पी रखते हैं तो गोवा के बीच पर लाइसेंस प्राप्त वाटर स्पोर्ट्स पैकेज ऑपरेटरों जैसे एटलांटिस वाटर स्पोर्ट्स, एक्वा वाटर स्पोर्ट्स गोवा आदि के माध्यम से इन खेलों में शामिल हो सकते हैं। इन पैकेजों की जो कीमत रहती है दोस्तों, वो 200 से 4000 रुपए के बीच या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है। वो दोस्तों आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कौन कौन सी गतिविधियाँ उसके अंदर शामिल करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग भी गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं और रोमांच भरा अपनी यात्रा को करना चाहते हैं तो मेरी आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हो दोस्तों स्कूबा डाइविंग की, जिसकी मदद से गोवा के नीले गहरे पानी में समुद्री दुनिया का पता लगाना आपकी यात्रा को खास बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ स्कूबा डाइविंग की मदद से आप मंत्रमुग्ध सुंदर प्रवाल भित्तियाँ और समुद्री शैवाल की खोज कर सकते हैं। इसके अलावा कई आकर्षक और रंगीन मछलियों को उनके घरों में देख सकते हैं। यहाँ स्कूबा डाइविंग करने से पहले आपको एक प्रशिक्षकों द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाती है। जब आप लोग पानी की दुनिया में अपने आप को ढालने में सक्षम हो जाते हैं तो फिर आप लोग यहाँ स्कूबा डाइविंग का मजा ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि गोवा में स्कूबा डाइविंग 5500 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू होती है दोस्तों। फिर ये आपके ऊपर है दोस्तों, आप लोग कैसे इक्विपमेंट्स और किस तरह के फैसिलिटीज चाहते हैं इसके अंदर। यह रेट दोस्तों बढ़ भी सकता है और जब दोस्तों ऑफ सीजन रहता है तब दोस्तों यह रेट घट भी जाता है। इसके बाद में आता है दोस्तों जेट स्की, जो कि गोवा में सबसे ज़्यादा फेमस खेलों में से एक है, जिसमें हाई स्पीड जेट स्की को पानी में चलाकर आप अपने शरीर को उड़ता हुआ महसूस करवा सकते हैं। जेट स्की करते समय ठंडे पानी के छोटे छोटे छींटे आपको बहुत ताज़ा महसूस करवाते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप एक ट्रेनर के साथ सवारी कर सकते हैं या फिर आप अपने किसी दोस्त के साथ जेट स्की सवारी के लिए जा सकते हैं। जेट स्की सवारी आपको कैंडोलम बीच, बागा बीच और वागाटोर बीच पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। एक जेट स्की की सवारी में प्रति व्यक्ति लगभग 3000 रुपये का खर्च यहाँ पर होता है दोस्तों, जिसमें कि दोस्तों आप लोगों के ऊपर, यदि आप लोग ज़्यादा समय तक भी जेट स्की का आनंद लेना चाहते हैं तो यह रेट दोस्तों समय के हिसाब से बढ़ जाता है। अगला एडवेंचर वाटर स्पोर्ट है दोस्तों पैरासेलिंग। दोस्तों पैरासेलिंग एक बहुत ही साहसिक कार्य है जिसे आपको अपनी गोवा यात्रा की लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए। अगर आप साहसिक खेलों को पसंद करते हैं तो आपको गोवा में पैरासेलिंग का मजा जरूर लेना चाहिए। पैरासेलिंग में आपको एक उच्च गति वाली नाव की मदद से आकाश में उड़ाया जाता है। बहुत से लोगों को यह खेल देखने में खतरनाक लगता है, लेकिन इसको करने में कोई खतरा नहीं होता है। बता दें कि इसमें पैरासेल चारों ओर फ्लायर लगा होता है और इसका दूसरा छोर मोटरबोट के पीछे बंधा होता है। मोटरबोट पैरासेलिंग करने वालों को हवा में उड़ाते हुए आगे की ओर बढ़ाती है दोस्तों। और वहीं पे दोस्तों, यदि इसकी चार्ज की बात कर ले दोस्तों, तो यह दोस्तों 1000 से 3000 रुपये के बीच में होता है दोस्तों। वो आपके ऊपर है दोस्तों, क्योंकि टाइमिंग का इसमें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा पैसा। इसके बाद में आता है दोस्तों रिंगो राइड स्पोर्ट। दोस्तों रिंगो राइडिंग को ट्यूबिंग के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें आप एक गोलाकार ट्यूब में बैठते हैं और यह एक उच्च गति वाली नाव के साथ बंधी हुई होती है। अगर आप अपने आज तक रिंगो राइड नहीं की है तो आपको एक बार इसका मज़ा जरूर लेना चाहिए। रिंगो राइड पर जाने से पहले इसमें शामिल होने वाले लोगों को उचित निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
अगर आप लोग भी रिंगो राइड का आनंद गोवा में लेना चाहते हैं तो इसका चार्ज दोस्तों आप लोगों को प्रति व्यक्ति 600 रुपये देना होगा। इसके बाद में आता है दोस्तों वाटर स्काई, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय स्पोर्ट है दोस्तों। पानी स्कीइंग या फिर वाटर स्काइंग का खेल जितना खतरनाक दिखता है उतना ही मज़ेदार भी है। इस खेल में एक रस्सी को स्काई से और दूसरे छोर को सुपर फास्ट स्पीड बोट से बांधा जाता है। जब बोट तेज़ी से पानी पर दौड़ती है तो इस खेल में शामिल होने वाले व्यक्ति पानी की लहरों पर रस्सी को पकड़कर बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। बता दें कि इस खेल में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी या दिल के रोग वाले लोगों को इस खेल में शामिल करने की सलाह नहीं दी जाती है। अगर आप गोवा जाकर इस खेल को करना चाहते हैं तो यह खेल का चार्ज आप लोगों को दोस्तों 1900 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू होता है, जो कि दोस्तों फिर टाइमिंग के हिसाब से बढ़ता रहता है। इसके बाद में दोस्तों आती है स्पीड बोटिंग। दोस्तों अगर आप लोग गोवा की यात्रा पर जा रहे हैं और आपको बिल्कुल कम रिस्क वाला वाटर स्पोर्ट्स चाहिए तो दोस्तों स्पीड बोटिंग सबसे परफेक्ट खेल है आप लोगों के लिए। इसमें आप लोग एक हाई स्पीड बोट से 15-20 मील प्रति घंटे की स्पीड से पानी पर चलते हुए एक खास अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इस खेल में आपके साथ बोट पर प्रशिक्षक भी होता है। स्पीड बोटिंग में एक बोट पर अधिकतम 8 लोग ही बैठ सकते हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति चार्ज लगभग 500 रुपये चार्ज किया जाता है दोस्तों। यह एक्टिविटी दोस्तों आप लोगों को गोवा के करीब करीब सभी बीचेस पर अवेलेबल हो जाती है। बात कर लेते हैं दोस्तों एक और सस्ते वाटर स्पोर्ट्स की, जो कि है दोस्तों बनाना राइड। गोवा में होने वाला यह एक बहुत ही मज़ेदार खेल है। इसमें आप एक केले के आकार की नाव पर बैठकर एक उच्च गति पर पानी के ऊपर ग्लाइडिंग करते हैं। बता दें कि 7 साल से कम उम्र के बच्चों को इस खेल में शामिल होने की अनुमति नहीं है। गोवा में कैंडोलिम बीच और बागा बीच बनाना राइड के लिए काफ़ी फेमस है। बनाना राइड में एक बार में 6 लोग सवारी कर सकते हैं, जिसके लिए 4 लोगों के एक समूह को 1400 रुपये देना पड़ते हैं। पर पर्सन यहाँ पर यदि देख ले दोस्तों तो 350 रुपये इसका चार्ज होता है। इसके बाद में है दोस्तों विंड सर्फिंग। दोस्तों अगर आप लोग गोवा जाकर अपनी साहसिक उन्माद की तड़प को बुझाना चाहते हैं तो विंड सर्फिंग आपके लिए सबसे अच्छा खेल होगा। इस खेल में आपको चोटियों और लहरों के माध्यम से एक सब बोट पर अपने आप को संतुलित करना होता है। यह सुनने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन इसमें करना उतना आसान नहीं होता है। विंड सर्फिंग के लिए 1500 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज आप लोगों को देना होगा दोस्तों। दोस्तों कायाकिंग। गोवा में कायाकिंग करना आपकी यात्रा को और भी खास बना सकता है। कायाकिंग में आप विशेष रूप से डिजाइन की गई नावों में बैठकर पानी के विहंगम दृश्य का अनुभव करते हुए शांत पानी में सैर पर निकल जाते हैं। गोवा में कायाकिंग अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय पर्यटकों द्वारा बेहद पसंद की जाती है। इसमें नाव सवारी, मैंग्रोव पेड़ व पौधे तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, घने जंगलों और प्राचीन समुद्री तटों से होकर जाती है। गोवा की यह राइडिंग आपको प्रकृति के बेहद करीब लेकर जाती है। गोवा में जुअरी, मंडोवी और सल बैकवाटर इस खेल के लिए फेमस है। कायाकिंग के लिए आपसे प्रति व्यक्ति कश्ती लगभग 7500 रुपये चार्ज किए जाते हैं दोस्तों। और एक कश्ती में दोस्तों 2 से 3 लोग बैठ सकते हैं। वैसे तो दोस्तों 2 लोग ही काफ़ी होते हैं और 2 लोगों के लिए ही यह पर्याप्त है। इसके बाद में आता है दोस्तों वाटर जोर्बिंग स्पोर्ट। दोस्तों वाटर जोर्बिंग एक ऐसा खेल है जिसकी तुलना आप गोवा में किसी भी अन्य वाटर स्पोर्ट से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक विशाल प्लास्टिक बॉल में पानी के ऊपर रोल करना होता है। यह खेल बाकी वाटर स्पोर्ट्स की अपेक्षा काफ़ी सुरक्षित है। इस खेल की मदद से आप गोवा के हरे पानी में तैरने के साथ साथ अपने शरीर को आराम भी दे सकते हैं। इस खेल में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शामिल होने की अनुमति नहीं है। इस खेल में प्रत्येक जोराब में 2 लोग शामिल हो सकते हैं, जिसकी की लागत 500 रुपये से 1000 रुपये के आसपास होती है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ सेफ्टी टिप्स देना चाहूँगा दोस्तों वाटर स्पोर्ट्स के लिए, कि अगर आप लोग किसी वाटर स्पोर्ट में शामिल होने जा रहे हैं तो आपात स्थिति के लिए एक पानी की एक छोटी बोतल अपने साथ जरूर लें। किसी भी वाटर स्पोर्ट्स का हिस्सा बनने से पहले अपनी बॉडी को अच्छी तरह स्ट्रेचिंग करें। ऐसे ऑपरेटर को चुनें जो अप टू डेट सुरक्षा गियर प्रदान करते हैं। दृश्यता की कमी के कारण किसी भी वाटर स्पोर्ट में रात के समय हिस्सा ना बने, इससे आपको किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों यदि यहाँ पर कुछ टिप्स दे दूँ मैं आपको, तो सुनिश्चित करें कि ऑपरेटर अनुभवी है और उसके पास में अच्छे उपकरण हैं। समुद्र तट पर वाटर स्पोर्ट्स के स्वतंत्र विक्रेता ज़्यादा पैसे ले सकते हैं, इसलिए यहाँ सौदेबाजी में जरा भी संकोच ना करें। जिस विक्रेता के पास ज़्यादा भीड़ रहती है या जिससे जिसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं उसके पास जाना एक अच्छा विकल्प होगा आप लोगों के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि सबसे अच्छा समय गोवा में वाटर स्पोर्ट्स के लिए कौन सा होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि गोवा में वाटर स्पोर्ट्स के लिए नवंबर से अप्रैल के बीच के महीने सबसे अच्छे होते हैं।
मानसून के मौसम में यहाँ सारे वाटर स्पोर्ट्स बंद रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।